मसाला इडली, ओ माय गॉड, रागी चीज मसाला, जरा हटके जरा बचके, इडलियों की महारानी, बिल्कुल पसंद नहीं आई, घी में रखते ही पिघल गया, मुझे मजा नहीं आया, दबाओ घी नहीं गया, जा रहा हूँ गहराइयों में, भाई वाह, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, गाइस आज हम लोग खाने वाले हैं साउथ इंडियन, लेकिन कहाँ, वड़कम, क्या, वड़कम मतलब ग्वालिया वनक्कम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए अबाउट ग्वालिया वनक्कम। सबसे पहली बात तो यस, ये ग्वालिया स्वीट्स की ही पेशकश है, मतलब कि ये उन्हीं का रेस्टोरेंट है, जस्ट लाइक ग्वालिया पुरानी दिल्ली, जहाँ पर ये लोग नॉर्थ इंडियन फूड सर्व करते हैं। ग्वाल भोग, जहाँ पर गुजराती एंड राजस्थानी फूड सर्व किया जाता है। मैं दोनों ही जगह जाकर आया हूँ, दोनों ही जगह टटोल चुका हूँ, कमाल खाना है। वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। खैर, तो आज हम लोग जाने वाले हैं ग्वालिया वनक्कम, जहाँ पर ये लोग ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड सर्व करते हैं। तो चलिए आज यहाँ पर जाएंगे, खाएंगे, टटोलेंगे और देखेंगे कि ग्वालिया ने साउथ इंडियन में भी अपना इक्का जमाया है कि फिर। चलिए चलते हैं। अंदर एंट्री लेते हैं, सबसे पहले हमने वहाँ के माहौल को टटोला, एक अलग ही फील, एक अलग ही क्लास, और ये बात मैंने ग्वालिया के हर रेस्टोरेंट में देखी है। ये लोग इंटीरियर पे दबा के खर्चा करते हैं, मतलब एक अलग ही वाइब में, एक अलग ही फील में लेके जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी साउथ के रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हैं। बाय द वे, यहाँ पर आकर हमें पता चला कि यहाँ पे अनलिमिटेड बुफे के साथ साथ अला कार्ट भी है। तो भाई क्या करें, अला कार्ट तो हमने डिसाइड किया है कि भैया अनलिमिटेड बूफे खा खा के पक गए, आज कुछ आला कार्ट ट्राई करते हैं, और आला कार्ट में हम लोग जो सबसे बेस्ट है यहाँ का वही खाएंगे। तो हम लोग मेनू टटोलते हैं, ऑर्डर करते हैं, तब तक आप लोग अनलिमिटेड बूफे चेकआउट करिए। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वनक्कम में अनलिमिटेड बफे 380 प्लस टैक्स, चाइल्ड 219 प्लस टैक्स, और ये पूरा है मेनू। यस सर प्लीज, ये है कर्ड राइस, कोकोनट चटनी, टोमेटो चटनी, ग्रीन चटनी, सैलड, पाइनएप्पल रस, सांभर, स्टीम इडली, अरे वाह, गरम गरम, दो टाइप के स्टार्टर है, मेंदू वड़ा, मलकापुरी, वेज कोरमा, मिक्स वेज, कोरियल, चेटीनाथ, कारा कुंजम्बू, कारा कोलंबू बोलते हैं, कोलम पोटेटो भाजी, मसाला, अच्छा, डोसे में यूज करते हैं, थ्री टाइप डोसा, थ्री टाइप उत्तपम, जो लाइव सर्विस करते हैं अंदर से। ओके, मतलब यहाँ पे सैंपल है, सैंपल है, मुझे चाहिए, आपको बोलना है, आप गरम गरम आप लोग बना के दोगे। ऑल राइट, साथ में मालाबार पराठा होता है, वो भी लाइव सर्विस होता है। अच्छा, मालाबार पराठा भी होता है, अच्छा, जैन ऑप्शन है, जैन कोरमा, और ये पालक कुट्टू जैन, ओके, स्टीम राइस एंड वेज पुलाव, देन ये स्वीटी से हमारी साउथ की सबसे बेस्ट केसरी भात, गरम गरम है वैसे, गरम, वाह, मतलब नीचे, अच्छा हाँ, ये नीचे इंडक्शन है, क्या बात है, मतलब सारी चीजें गरम गरम ही। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। बाय द वे, सूप में यहाँ पे दो ऑप्शन है, रसम पूरी शॉट एंड रसम, हमने दोनों ही ऑर्डर किया है। ऑर्डर आता है तब तक आप लोग क्या करोगे, बैठे रहोगे, उससे अच्छा है मेनू पे नजर मार ही लीजिए। Sin que me juzguen. All right guys, to pineapple rasam ko jo hai tatolte hue. Con mis amigas cantando roles. Ek second, jo bolega sach bolega, sach ke alawa kuch nahi bolega. Que me aprecien, pero no tanto. Jisko pyari ho apni jaan ki kasam, aake piyega yahan ka rasam. Are wah. Let's try. Quiero estar sola. Bhai pineapple ka chhota sa piece aaya hai. Maza aur usne char chand laga diye. रसम तो है ही, साथ में पाइनएप्पल का जो तड़का मारा है ना, कुछ और ही चीज बन गई है। नहीं, थोड़ा भी नहीं है। सो गाइस, रसम पूरी शॉट, बॉल पे 6 वैसे यहाँ का रसम पूरी क्या है, इसका पैसा वसूल है। घी इडली, एक मसाला इडली, तो गाइस इडली का वेट कर रहे, तब तक अपलम से काम चलाते, अपलम को टटोलते हैं। अपलम तो अपना ऑल टाइम फेवरेट है, जैसे प्यारा लगेगा माँ के हाथ का झापड़ वैसा ही अपलम पापड़।
क्या बात है। तो गाइस ये है मसाला इडली, मलकापुरी इडली, टोमेटो चटनी, कोकोनट चटनी एंड ग्रीन चटनी। मसाला ही मसाला। चटनी जाना गाइस, गौर फरमाइएगा, बागों में आती है तितलियाँ। वैसे ही हमने टटोल ली इडलियाँ। इडलियाँ मलकापुर इडली खत्म, टाटा बाय बाय। खत्म। उसमें घी है, उसमें भी है, उसमें भी है, और मजा घी और गन पाउडर, कोकोनट का तड़का, चटनी की जरूरत ही नहीं है। घी छलक छलक रहा है इसमें, छलक के भरा इसमें। हाँ, ऑल राइट गाइस, घी इडली नसीबदार है भाई, तू पहले टटोल रहा है मेरे पहले। क्या हुआ भाई, खाली स्मूथनेस देख। ओ माय गॉड भाई, घी तो देख, तू दबा 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 उसको गाइस। वो देख चम्मच में। ओ माय गॉड, ओ भाई, अरे भाई देख लो भाई घी। अब मुझे तो लग रहा है भाई अब ये नशा चढ़ जाएगा तेरे को। भाई वो खाने के बाद मुंह नहीं खोल पाओगे, कि उसका जो घी है ना पूरा चबाते जाओ ऐसा होगा। गाइस गौर फरमाइएगा, हरी दाल पे खिलती है सुनहरी कली, वैसी है यहाँ की घी इडली। अरे वाह मेरा भाई, वाह 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 वाह। Que me aprecien pero no tanto, quiero estar sola। बे भाई बोल ही नहीं पाएगा, बोल तो रहा हूँ खाते जाओ खाते जाओ, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो साउथ इंडियन जो होता है ना, उसकी पहचान होती है सांभर से, कोकोनट और अलग अलग ग्रीन चटनियों से। यहाँ पे हमको उस चीज की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है, इडली ही इतनी टेस्टी है भाई। ये इडली में जान है, हक है, इसे अधिकार है, इडलियों की रानी, इडलियों की महारानी है ये इडली। तो गाइस रसम इडली सब कुछ हो गया है, अभी डोसा में ट्राई करना है, तो एक जय एक डोसा ट्राई करेंगे। रागी चीज मसाला, वजनदार डम्बल्स है, डम्बल्स। एकदम भाई दम है ये डोसा में, दम है। All right guys, तो काफी सारी चीजें टटोल ली है आप लोगों को, बता दी है, अभी लगी है भूख, अब हम लोग खाएंगे और आप देखोगे। गाइज राइस हमने ऑर्डर किया है, बीसी बेल्ले बात ट्रेडिशनल राइस कुक विद लेंटिल वेज एंड स्पाइसेस, जो 220 रुपीस का है। तो राइस के बाद और कुछ खा नहीं पाएंगे। राइस बीसी बेल्ले भात आ गया है। तो भाई ये तो बहुत मसालेदार है यार, समझने दे भाई, समझने समझने पूरा कर दे काम कर, तू चीटिंग करके। चीटर है ये, चीटर। इतनी सारी चीजें ना मैं वो बना रहा हूँ कि एक्चुअल इसका फ्लेवर क्या है, ठीक है, ज़्यादा मसालेदार है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मेरे हिसाब से इसको मैं 5 दूंगा आउट ऑफ 10। तू टटोल ले, टटोल दाओ घर पे जो बना था अपने पुलाव। हाँ मिक्स करके हाँ, मैं वही बोलूंगा है ना, मुझे भी वही फीलिंग आई। वैसे नाम काफी हटके था, वो हिसाब से आइटम हमें हटके नहीं लगी। मंगाया तो भाई खत्म कर, पैसा देना है। A few inches later. केसरी भात, केसरी कलर का, खास मीठा मीठा है यार, बहुत स्वीट है। टू टटोल, मुझे मजा नहीं आया। मुझे अच्छा लगा, तुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा, क्योंकि मेरे घर पे यही बनता है। अच्छा, घर वाला टेस्ट मुझे लग रहा है। तो गाइस जय को पसंद आया, मुझे पसंद नहीं आया। ऑल राइट गाइस, तो बीसी बिल्ले भात तो हम दोनों मिलके भी खा नहीं पाए, क्योंकि हमें मज़ा नहीं आया। केसरी हलवा तो देखो ये चाट चाट के खा रहा है, मेरा ऐसा ही पड़ा है, मैं नहीं खा पाया भाई, मुझे नहीं पसंद आया। भाई,
ऑल राइट गाइस, तो खाना वाना सब कुछ हो गया है, फाइनली वो टाइम आ गया है जो जिसका सबको बेसब्री से इंतजार नहीं होता है, नहीं होता मतलब बिल चुकाने का। सर लाइए, आइए सर, दीजिए सर, ये चीज हमको पसंद नहीं है। भाई दिखाना पड़ेगा, बिल तो लंबा जोड़ा है। 1764 मजाक में ज्यादा हो गया। आज हमारे स्पॉन्सर भाई, ये कैसा लगा भाई बिल पे करके? बहुत बुरा। ऑलराइट गाइस, तो खाना वाना खा के बिल बिल चुका के हम लोग नीचे आ गए हैं। अब खाने की बात करें तो भाई वाह, झनझनाटी वाला खाना खाया है, उसमें घी इडली रसम पूरी शॉर्ट, ओ माय गॉड, और वो बन गया रसम पूरी शॉर्ट, ओ माय गॉड, वाह भाई वाह, क्या बात है। वो घी वाली इडली, घी इडली, फिर वो छोटी वाली इडली का नाम क्या था? मलकापुरी, मलकापुरी इडली, डोसा, रागी डोसा, रागी, इमेजिन हेल्दी रागी। पर्सनली मैं मसाला डोसा ज्यादा खा नहीं पाता हूँ, मसालेदार और स्पेशली आलू की सब्जी मैं मुझसे नहीं खाई जाती है, लेकिन यहाँ पे तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुंह में रखो पिघल जाए, मुंह में रखो पिघल जाए। इडली भी ऐसी थी, इडली भी ऐसी थी, पिघल गई, स्वाद तो दिल से निकल रहा है फिर से भाई, वाह। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। कॉफी छोड़ दिया है 15 दिनों से, हमने आपसे वो नहीं पूछा, इसलिए मैं डालूंगा नहीं। हमने आपसे वो नहीं पूछा, सिर्फ कॉफी के बारे में बताइए, प्लीज पर्सनल मत होइए।